ये हमारा जो स्टूडेंट्स, है, आज हम लोग नेट जो एग्जामिनेशन है उसका जो कंपलसरी पेपर होता है उसका यूनिट फर्स्ट अर्थात इकाई एक का एक टॉपिक जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे। इकाई फर्स्ट आपकी जो है वो कौन सी है, यूनिट फर्स्ट वो है शिक्षण अभियोग्यता यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर मूल्यांकन प्रणाली आती है। उस मूल्यांकन प्रणाली के अंदर आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया है और मैं ये जहाँ तक समझती हूँ या जितना मैंने एनालिसिस किया है मूल्यांकन प्रणाली के अंदर जो मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ वो टॉपिक अभी तक किसी भी लेक्चर में नहीं लिया गया है। तो मैं किताबों में भी जो है इस तरीके की मूल्यांकन प्रणाली के विषय में या गाइडों में भी इस तरीके का मूल्यांकन जो है वो कहीं पे भी नहीं देखने को मिलता है या इसके कंटेंट कहीं पे भी नहीं मिलते हैं। तो आज हम लोग मूल्यांकन प्रणाली का एक नया भाग, नया दौर या नई टेक्निक लेकर के जो है वो पढ़ने का प्रयास करेंगे। वो क्या है, ओपन बुक एग्जामिनेशन। ये बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है, ओपन बुक एग्जामिनेशन। इसको ओ बी ई भी कहा जाता है। ओपन बुक एग्जामिनेशन का शॉर्ट फॉर्म क्या है, ओ बी ई। तो एक तो जो हम टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं ये टॉपिक संबंधित है हमारे यूनिट वन से, ठीक है, यूनिट फर्स्ट से। लेकिन ओ बी ई ये शॉर्ट फॉर्म है ओपन बुक एग्जामिनेशन का। ये अगेन इसका जो एक क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका बनेगा यूनिट फोर से भी। और यूनिट फोर हमारा कौन सा है, कम्युनिकेशन, ठीक है। यूनिट फोर हमारा कौन सा है, कम्युनिकेशन। एंड सेम इसी से प्रश्न जो है हमारा बनेगा, कुछ प्रश्न हमारे आईसीटी वाले पोर्शन से आएंगे यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, ठीक है, हमारे इस पार्ट से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये पार्ट आपको पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी जिस तरीके की परिस्थितियां हमारे देश में चल रही हैं, देश क्या पूरे ग्लोबल लेवल पर अर्थात वैश्विक स्तर पे जो है जिस तरीके का हमारा अभी का जो है वो सिचुएशन चल रहा है, ऐसी सिचुएशन में इस तरीके की शिक्षण पद्धतियां और मूल्यांकन पद्धतियां जो है वो बहुत कारगर सिद्ध होंगी और इनका प्रयोग जो है वो किया जाएगा। तो बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है कई लोग जानते भी होंगे, कई लोग नहीं भी जानते होंगे, कईयों ने शायद सुना भी नहीं होगा। बट हम लोग आज इसको डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे कि ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी ओपन बुक एग्जाम की जब हम बात करेंगे, ओपन बुक एग्जामिनेशन जिसे हमने कहा ओ बी ई, ठीक है, इसको हम लोग जो है वो अभी पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये बेसिकली होता क्या है और किस तरीके से प्रयोग में लिया जाता है। तो यहाँ पे एक तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इस विधि को दो रूपों में प्रयोग में लिया जा सकता है, इस विधि को दो रूपों में प्रयोग में लिया जा सकता है। कौन है वो दो रूप, देखने का प्रयास करते हैं। पहला है पेन और
पेपर विधि। पहला क्या है? पेन और पेपर विधि, और दूसरा है लैपटॉप या पीसी। आप समझ जाएंगे, पर्सनल कंप्यूटर लिख दूं, पर्सनल कंप्यूटर विधि। दो रूपों में हम लोग जो है इसको प्रयोग में लेते हैं, यानी कि जो हमारा ओपन बुक एग्जामिनेशन है इसको प्रयोग में लेने की दो विधियां हैं। या तो हम लोग पेन और पेपर जो है वो लेकर के बैठे, हम उस पर लिख करके इस विधि को संपूर्ण करें, या इस तरीके की मूल्यांकन प्रक्रिया में अपने आप को इन्वॉल्व करें, या फिर हम अपना एक लैपटॉप या हमारे पास जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है हम उस पर जो है इस तरीके की मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाएं। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं, इन दोनों प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए, इन दोनों प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए कुछ सहायक तत्व बताए गए हैं, कुछ सहायक सामग्रियां बताई गई हैं जिनके प्रयोग से ओपन बुक एग्जामिनेशन दिया जाता है। तो ये जो तीन हमारे सहायक तत्व हैं ये कौन से हैं, आइए देखते हैं। उपरोक्त दोनों विधियों को प्रयोग में लेने के लिए तीन सहायक तत्वों की आवश्यकता होती है। कौन है ये तीन सहायक तत्व, एक बार हम देखेंगे। कौन है ये तीन सहायक तत्व, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो तत्व होता है वो होता है बुक्स, यानी कि किताबें, अर्थात बुक्स। दूसरा जो तत्व होता है उसे हम कहते हैं नोट्स। तीसरा जो तत्व होता है उसे हम कहते हैं अध्ययन सामग्री, अर्थात स्टडी मटेरियल। ठीक है, ये तीन तत्व जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। कौन कौन से तत्व, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा, इन तीन जो हमारे तत्व हैं, इन तीन तत्वों से क्या होता है, जो ओपन बुक एग्जामिनेशन होता है उससे संदर्भ लिया जाता है, अर्थात क्या लिया जाता है, रेफरेंस लिया जाता है। तो यहाँ पे एक तथ्य हमारे पास और आया, क्या आया,
इन तीनों के द्वारा OBE में शामिल होने के लिए संदर्भ अर्थात रेफरेंस लिया जाता है। ठीक है, इन तीनों के द्वारा जो है, जो भी हम एग्जामिनेशन देंगे, हम उसमें क्या लिया जाएगा, संदर्भ लिया जाएगा, यानी कि हम इन तीनों का प्रयोग करके, इनको रेफर करके जो है वो ओपन बुक एग्जामिनेशन देंगे। अब इतना हमने पढ़ लिया, इतना हमने देख लिया, हमने इतनी बातें जो है वो ओपन बुक एग्जामिनेशन की, लेकिन ओपन बुक एग्जामिनेशन आखिर है क्या? अब हम इस तथ्य पे आते हैं कि ओपन बुक एग्जामिनेशन आखिर है क्या। तो ओपन बुक एग्जामिनेशन मूल्यांकन की वह प्रणाली है जिसमें संदर्भित सामग्रियों के साथ छात्र परीक्षा में शामिल हो सकता है। ठीक है, तो एक डेफिनेशन के रूप में अगर हम लोग जाएं कि डेफिनेशन क्या हो सकता है, मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ, ओपन बुक एग्जामिनेशन मूल्यांकन की वह प्रणाली है जिसके द्वारा विद्यार्थी अपनी सुविधा अनुसार अपनी सुविधा अनुसार संबंधित परीक्षा में विभिन्न प्रकार के संदर्भों रेफरेंसेस का उपयोग कर सकता है। ठीक है, OBE यानी कि ओपन बुक एग्जामिनेशन मूल्यांकन की वह प्रणाली है जिसके द्वारा विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार संबंधित परीक्षा में विभिन्न प्रकार के संदर्भों का यानी कि रेफरेंसेस का प्रयोग कर सकता है। अब ये प्रयोग वो कैसे करेगा, जो रेफरेंसेस हैं, रेफरेंसेस का प्रयोग वो कैसे करेगा? तो रेफरेंसेस के प्रयोग के जो है कुछ पायदान बताए गए हैं, कुछ स्टेप्स बताए गए हैं, और उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो है वो रेफरेंसेस का यानी कि ओपन बुक एग्जामिनेशंस में संदर्भों का प्रयोग किया जाता है। तो क्या है ये ओपन बुक एग्जाम्स? ओपन बुक्स एग्जाम्स को जैसे कि मैंने आपको बोला कि दो तरीके से दिया जा सकता है, कॉपी पेन यानी कि आप एक जगह पे बैठ करके जो है इस एग्जाम को दे सकते हैं, जिसको हम लोग एक तरीके से औपचारिक एग्जामिनेशन का भाग भी मान सकते हैं, कक्षा कार्यक्रम के अंदर ये प्रक्रिया संपादित हो सकती है। और दूसरा हमने कहा लैपटॉप या पीसी के प्रयोग के द्वारा, तो लैपटॉप या पीसी के प्रयोग के द्वारा आपको एक पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर पोर्टल बना होता है संबंधित पाठ्यक्रम का, उस पोर्टल पे जाना होता है। पोर्टल पे जा करके जो है आंसर्स, आपके क्वेश्चंस वहां पे मेंशन होते हैं, जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं
बहुविकल्पीय प्रश्नों को वहीं पे आपको जो है वो क्लिक करके सबमिट करना होता है और हाथों हाथ आपका रिजल्ट जो है वो सामने आ जाता है। लेकिन जो रिटन क्वेश्चंस होते हैं, जो लिखना होता है, निबंधात्मक होते हैं, दीर्घ उत्तरीय होते हैं, लघु उत्तरीय होते हैं, ऐसे प्रश्नों के लिए आप पोर्टल से पेपर को डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप उससे संबंधित जो किताब है, कॉपी है या नोट्स है, उसको आप रेफर करते हैं और निर्धारित समय में आप उस प्रश्न का उत्तर कॉपी में लिखते हैं और वापस आप उसकी फोटो खींच करके सेम पोर्टल पे, बिल्कुल जिस पोर्टल से आपने डाउनलोड किया था उसी पोर्टल पे आप क्या करते हैं, अब अपलोड कर देते हैं। तो ये हमारा क्या है, बेसिकली प्रोसेस है किसका, ओपन बुक एग्जामिनेशन का। तो इस प्रोसेस को हम लोग जो है थोड़ा सा डिटेल में भी देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन, प्रोसेस ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन, हम लोग जो है पहले कहाँ जाएंगे और किस तरीके से जाएंगे और कैसे करेंगे, इस पे हम लोग ध्यान देंगे। अब हम प्रोसेस ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे ओपन बुक एग्जाम देने के दो तरीके जो है वो सामने आए। इन दोनों तरीकों को हम लोग अलग अलग देखेंगे। सबसे पहला जो है पेन और पेपर के प्रयोग के आधार पर, और दूसरा आएगा लैपटॉप या पीसी के प्रयोग के आधार पर। ठीक है, चलिए हम पहला लेंगे अपना, जो पेन और पेपर के प्रयोग के आधार पे पहले हम लोग इसको लेंगे, देन उसके बाद हम लोग लैपटॉप और पीसी के जो है वो स्टेजेस को देखेंगे कि हमें कैसे किन स्टेजेस से जो है ये एग्जाम देना होता है। ठीक है, हम लोग आते हैं पेन और पेपर के प्रयोग के आधार पर। स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो है इसको देखेंगे। सबसे पहला स्टेज हमारा क्या होगा, नियत समय पर रिपोर्टिंग, यानी कि जो समय निर्धारित किया गया है उस समय पे हमें क्या करना है, परीक्षा के लिए रिपोर्ट करना है। दूसरा आएगा पेपर के साथ रेफरेंस बुक्स की प्राप्ति। तीसरा दिए गए प्रश्न के अनुसार उत्तर खोजना। चौथा उत्तर को कॉपी में निर्धारित समय में लिखना। और लास्ट स्टेज आएगा उत्तर पुस्तिका को जमा करवाना। ठीक है, ये क्या हुए हमारे स्टेप्स हुए पेन और पेपर के आधार पे। पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले हम
एग्जामिनेशन हॉल में क्या करेंगे, नियत समय पे जो समय डिसाइड किया गया है उस पर रिपोर्ट करेंगे। दूसरा क्या है, पेपर के साथ साथ रेफरेंस बुक्स को भी हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। तीसरा, दिए गए प्रश्नों के अनुसार हम लोग जो रेफरेंस बुक्स हमें मिल रही है एग्जाम के लिए या कोई नोट्स मिल रहा है, हम लोग उसमें से उत्तर को खोजेंगे। चौथा, उत्तर जो हमने खोज लिया है उसको हम क्या करेंगे, कॉपी में लिखेंगे, और लिखने के बाद जो समय निर्धारित है उस समय के अनुसार जो है इस पुस्तिका को हम क्या करेंगे, जमा कर देंगे। तो ये कुछ देखने में कुछ ऐसे लगता है जैसे ऑफलाइन आप एग्जाम देते हैं, कुछ उसी तरीके से ये पैटर्न है पेन और कॉपी की। जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल पेन और कॉपी की, तो उसी तरीके का लगभग पैटर्न है ये। बस इसमें आप जो नॉर्मल इवेल्युएशन सिस्टम से गुजरते हैं या जो परीक्षण से गुजरते हैं उसमें आपको स्वयं से पढ़ाई करके लिखना होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, आप देख करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट आइए लैपटॉप या पीसी के प्रयोग के आधार पर। ठीक है, लैपटॉप या पीसी के प्रयोग के आधार पर, तो ये एग्जाम हमारे जो है वो दो तरीके के होते हैं लैपटॉप या पीसी की जब हम बात करते हैं। तो पहला होता है बहुविकल्पीय प्रश्न, और दूसरा होता है लघु या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, हमारे पास जो है ये दो ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन क्या आता है, बहुविकल्पीय का, जब हम लैपटॉप का प्रयोग करें या पीसी का प्रयोग करें, और दूसरा आता है लघु या दीर्घ उत्तरीय का। यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटन आ रहा है। तो इन दोनों ही एग्जामिनेशंस को हमें क्या करना होता है, ऑनलाइन या फिर लैपटॉप पीसी के द्वारा जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, करने का प्रयास करते हैं। तो बहुविकल्पीय में बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले संबंधित पोर्टल को खोलना, दूसरा पोर्टल पर अपना विषय खोजना या जिसे हम बोलते हैं सर्च करना। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा प्रश्न पत्र खोलना, नेक्स्ट चौथा प्रश्न पत्र में लिखित निर्देशों को पढ़ना, नेक्स्ट एक एक प्रश्न के लिए सही उत्तर संदर्भित पुस्तकों में देखना, प्रश्न के किसी एक विकल्प पर क्लिक करना, सभी प्रश्न नियत समय में हो जाने के पश्चात सबमिट
बटन पर क्लिक करना। ठीक है, ये हमारा क्या रहा, बहुविकल्पीय प्रकार के। अगर हमारे पास क्वेश्चन पेपर्स आते हैं तो उनके लिए जो है ये सुझाया गया है कि हम कैसे उन प्रश्नों को करेंगे। सबसे पहले जो हमारा संबंधित पोर्टल है, यानी कि किस विद्यालय का हमें एग्जाम देना है, कौन सी यूनिवर्सिटी का हमें एग्जाम देना है, कौन से स्टैंडर्ड के लिए हम लोग जो एग्जाम दे रहे हैं, ये क्या हो गया, ये संबंधित पोर्टल हो गया। अब जो संबंधित पोर्टल जो है हम अपने विद्यालय का खोल लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, पोर्टल पर अपना विषय हम लोग ओपन करेंगे। कई जगहों पे ऑटोमेटिक केवल एक ही विषय के लिए अगर टेस्ट अपलोड होगा तो ऑटोमेटिक वो एक ही खुल जाएगा, लेकिन कई पोर्टल पे बहुत सारे विषय होते हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को होते हैं के लिए होते हैं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ्स जो भी हैं आप इसको खोल सकते हैं। तो आप अपने क्या करेंगे, विषय के अनुसार जो है वो उस पोर्टल पे अपने कोर्स को खोलेंगे। नेक्स्ट, जब पोर्टल पे हम अपने विषय को खोल लेते हैं, तो उसके बाद हमें प्रश्न पत्र दिख जाता है, क्योंकि ये असेसमेंट प्रोग्राम है तो ऑलरेडी पहले से ही जो है प्रश्न पत्र इस पे क्या होता है, अपलोड होता है, तो प्रश्न पत्र हमें दिख जाता है, वो प्रश्न पत्र हम लोग खोलते हैं। देन प्रश्न पत्र जब हमारे सामने ओपन हो जाता है तो हम लोग प्रश्न पत्र पर पहले कुछ निर्देश दिए होते हैं, यानी कि कुछ डायरेक्शंस दिए होते हैं, उन डायरेक्शंस को पहले हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। डायरेक्शंस को पढ़ने के पश्चात एक एक प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं, और एक एक प्रश्न को पढ़ करके उससे संबंधित जो संदर्भ पुस्तिकाएं हमें मिली हुई हैं, जो भी हमें किताब मिली है, हमारे पास नोट्स हैं, हमारे पास कोई स्टडी मटेरियल है, हम उनको क्या करते हैं, रेफर करते हैं, यानी कि रेफरेंसेस का प्रयोग करते हैं, और प्रयोग के पश्चात हम क्या करते हैं, उसका उत्तर खोजते हैं। अब जो वो उत्तर हमने खोजा है, तो हमारे पास चूंकि हमने पहले ही देखा कि बहुविकल्पीय टाइप के ये क्वेश्चंस हैं, तो हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए होते हैं, एक प्रश्न होगा उसका चार ऑप्शन या पांच ऑप्शन हो सकता है, आइडियली चार ऑप्शन होते हैं, कई जगहों पे पांच ऑप्शन भी रखे जाते हैं, तो ए बी सी डी ई या फिर 1 2 3 4 5 जैसे भी होगा, हम क्या करेंगे, जो भी हमारा प्रश्न होगा हम संदर्भित या रेफरेंस बुक से देख करके सही जो आंसर उसका होगा उस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जब हम आंसर पे क्लिक कर देंगे और इस तरीके से जितने भी प्रश्न दिए गए हैं और सभी प्रश्नों पर जब हम क्लिक कर लेंगे, तो लास्ट में हमारे पास एक सबमिट का बटन आता है जिसको हमें प्रेस करना होता है। अब इसमें जो है हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, यानी कि कुछ इसमें ऐसे तथ्य बताए गए हैं, ठीक है आप देख करके लिखेंगे सब कुछ सही है, लेकिन इसके जो है वो कुछ लिमिटेशंस हैं। अब वो लिमिटेशन क्या हैं, ये जो इतना सारा प्रोसेस है, इन सब के लिए क्या होता है, समय निर्धारित होता है, ठीक है ना, क्या होता है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, इन सब के लिए समय निर्धारित होता है। मतलब आप खूब जो है वो पुस्तिकाओं को खूब देखिए, बुक्स को देखिए, आंसर्स को देखिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया गया कि जब तक होए तब तक करते रहो, नहीं, इसके लिए समय निर्धारित होता है, और अपने समय पे चाहे आपने उस पेपर को पूरा कंप्लीट किया है चाहे नहीं किया है, ऑटोमेटिक जितना भी आपने किया होगा ये क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, सबमिट हो जाते हैं, और आपका अगर जिस तरीके का पैटर्न होता है, अगर ग्रेडिंग जो है वो हाथों हाथ आनी होती है, तो हाथों हाथ ही उस समय आपके मार्क्स और ग्रेडिंग जो है वो सामने आ जाते हैं। अब आइए हम लोग दूसरे पे चलते हैं, लघु या दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के ऊपर चलते हैं कि लघु या दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न हैं अगर उनको करना हो तो कैसे करते हैं, या किस तरीके से हम लोग स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले वही है, संबंधित पोर्टल को खोलना, संबंधित पोर्टल को खोलना, देन दूसरा जैसे हमने पहले किया था, पोर्टल पर अपना विषय सर्च करना,
नेक्स्ट प्रश्न पत्र खोलना, प्रश्न पत्र को डाउनलोड करना, कई जगह पे इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है? सब जगह पे नहीं होता है, बट कई कई जगहों पे प्रिंट का भी ऑप्शन रखा होता है। संबंधित प्रश्नों का संदर्भ एकत्र करना, नेक्स्ट संदर्भ के अनुसार या संदर्भ में से उत्तर को लिखना, लिखे गए उत्तर की फोटो खींचना और फोटो को पुनः पोर्टल पर अपलोड करना, और लास्ट में कंफर्मेशन के पश्चात ओके का ओके बटन पर क्लिक करना, ठीक है? ये हमारे जो है वो प्रोसेस हैं। प्रोसेस किसके हैं? लघु या दीर्घ उत्तरीय जो है अगर प्रश्न आते हैं तो उससे संबंधित है। सबसे पहले संबंधित पोर्टल को क्या करेंगे, हम लोग खोलेंगे। जब पोर्टल खुल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारा विषय है, जो भी जिस भी विषय के लिए हम लोग एग्जाम देना चाह रहे हैं, हम उस विषय को ओपन करेंगे। तीसरा हम क्या करेंगे, विषय खोलने के बाद हम अपने प्रश्न पत्र को खोलेंगे। देन प्रश्न पत्र को क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे हम लोग। डाउनलोड करके, कई दफा ऐसा होता है कि डाउनलोड करके पीसी में ही या हमारे कंप्यूटर में ही प्रश्न जो है वो हमें दिखता रहता है और हम संदर्भ पुस्तिकाएं या नोट्स जो भी हमारे पास अध्ययन सामग्री है, यानी कि रेफरेंसेस से हम क्या करते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर को रेफर करके हम लोग लिखना चालू कर देते हैं। और कई जगहों पे ऐसा ऑप्शन भी होता है कि आप सीधा प्रिंट जो है उसका निकाल सकते हैं और प्रिंट निकाल करके आप उसको देख करके इसको क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, जब आपने डाउनलोड कर लिया तो प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए आप क्या करेंगे, संदर्भों का चयन करेंगे, यानी कि जो आपके पास रेफरेंसेज हैं, बुक्स हैं, नोट्स हैं, स्टडी मटेरियल्स हैं, आप उनका क्या करेंगे, चयन करेंगे, यानी कि उनको एकत्रित करेंगे। देन जो आपके संदर्भ हैं उनमें से क्या करेंगे, आप उत्तर को लिखना चालू कर देंगे प्रश्नों के अनुसार। लिखे गए उत्तर की फोटो आप खींचेंगे, फोटो खींचने के बाद उसको पुनः क्या करेंगे, आप पोर्टल पर अपलोड कर देंगे। और अपलोड करने के बाद जब तक ओके का साइन नहीं आ जाता और आप ओके पर क्लिक नहीं कर देते हैं, कभी भी पोर्टल को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। जब कंफर्मेशन हो जाए दैट योर पेपर हैज बीन सबमिटेड, तभी हमें इस पोर्टल को छोड़ करके आगे निकलना है। अदरवाइज हमें इस पोर्टल को तब तक नहीं छोड़ना है जब तक कि ओके नहीं आ जाए, ठीक है? अब इसमें भी जैसा हमने आपके पहले वाले में देखा था, यानी कि बहुविकल्पीय में देखा था, इतने जितने भी प्रोसेस ये आप देख रहे हैं, इन सब के प्रोसेस में यहाँ पे भी क्या होता है,
समय निर्धारित होता है, समय निर्धारित होता है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, समय निर्धारित होता है। तो ये हमारा जो प्रोसेस है, यानी कि तरीका है कि किस तरीके से, कौन से स्टेप्स में जा करके हम लोग जो हमारा ओपन बुक एग्जामिनेशन है उसको क्या करेंगे, पूर्ण करेंगे। अब इसमें हम लोग जो है आगे आते हैं और इसमें और भी जानने का प्रयास करते हैं। इसमें नया टॉपिक हम लोग लेते हैं, OBE के लिए महत्वपूर्ण पहलू, यानी कि इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ OBE। ये एक नया टॉपिक हम लोग लेंगे, यानी कि अगर हम लोग ओपन बुक एग्जामिनेशन अगर देते हैं या हम कंडक्ट करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, यानी कि कौन कौन से पहलू हैं, इम्पॉर्टेंट पहलू है जिनका होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होता है तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो हमारी मूल्यांकन प्रक्रिया है वो किसी भी तरीके से नेगेटिव हो सकती है या किसी भी तरीके से फ्रॉड का या धोखाधड़ी का शिकार हो सकती है। तो ये पहलू कौन से हैं, इस प्रक्रिया के क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, ये हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। अभी मैं आपको एक क्विक रिवीजन थोड़ा सा करा देती हूँ जो अभी तक हमने पढ़ा है। आइए हम लोग क्विक एक रिवीजन ले लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा। तो आज की क्लास में हम लोग ओपन बुक एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ रहे थे, हमने उसको जानने का प्रयास किया। तो उसमें सबसे पहले जो है हमने ये देखा कि इस विधि को दो रूपों में प्रयोग में लिया जाता है। कौन है वो दो रूप, दो रूप हमारे सामने आ गए, पेन और पेपर विधि, यानी कि पेन और पेपर के प्रयोग से हम लोग इस विधि को प्रयोग में ले सकते हैं, या फिर लैपटॉप या पीसी के प्रयोग से। अब ये जो दोनों प्रयोग है या जो दोनों विधियां हैं, चाहे हम कोई सी भी विधि प्रयोग में लें, उपरोक्त दोनों विधियों को प्रयोग में लेने के लिए तीन सहायक तत्वों की आवश्यकता होती है। चाहे हम कंप्यूटर के प्रयोग से ओपन बुक एग्जामिनेशन दें, चाहे हम पेन पेपर के प्रयोग से दें, हमें जो है तीन तत्वों की आवश्यकता होती है। वो तीन तत्व कौन से हैं, देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया है। वो तीन तत्व हैं, पहला होता है किताबें, यानी कि हमें बुक्स चाहिए होती हैं। अच्छा, यहाँ पे तत्व से तात्पर्य मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, रेफरेंसेस से होता है, यानी कि संदर्भित सामग्री इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, संदर्भित सामग्री या रेफरेंसेस से जो है इसका तात्पर्य होता है। तो किन तीन तत्वों को हम लोग प्रयोग में लेते हैं, सबसे पहले किताबें होती हैं, जो भी टेस्ट हम लोग दे रहे हैं, जिस विषय का दे रहे हैं, जिस टॉपिक का दे रहे हैं, उनसे संबंधित किताबें, उससे संबंधित कोई नोट्स है तो वो, या उससे संबंधित कोई अलग से स्टडी मटेरियल है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग में लेते हैं। अब ये जो तीनों तत्व हम लोग प्रयोग में ले रहे हैं, इन तीनों के द्वारा OBE यानी कि ओपन बुक एग्जामिनेशन में शामिल होने के लिए संदर्भ रेफरेंस लिया जाता है। हम तीनों से ही अगर चाहें तो तीनों से ही हम लोग ओपन बुक एग्जामिनेशन के अंदर जो है रेफरेंसेस ले सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई मनाही नहीं है। एक डेफिनेशन हमने देखने का प्रयास किया था कि ओपन बुक एग्जामिनेशन का एक अच्छा सा डेफिनेशन क्या हो सकता है। तो OBE मूल्यांकन की वह प्रणाली है जिसके द्वारा विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार संबंधित परीक्षा में विभिन्न प्रकार के संदर्भों अर्थात रेफरेंसेस का उपयोग कर सकता है, ठीक है। वो इस तरीके के संदर्भों का, यानी कि किताबों का, नोट्स का और अध्ययन सामग्रियों का इस परीक्षा के अंदर प्रयोग कर सकता है। प्रोसेस ऑफ OBE यानी कि ओपन बुक एग्जामिनेशन के क्या प्रोसेस हैं,
दो प्रोसेस जो है बेसिकली तीन बताए गए हैं, लेकिन हमने आधार ऊपर जो देखा था वो दो आधार थे, यानी कि पेन और पेपर के प्रयोग के आधार पे, और दूसरा था लैपटॉप और पीसी के आधार पे। सबसे पहले हम पेन और पेपर के आधार पे आते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें नियत समय पे हमें रिपोर्टिंग करना होता है, यानी कि जो समय निर्धारित किया गया है कि इस समय आपको आ जाना है, उपस्थिति आपको दर्ज करानी है, आपको वहां पे उपस्थिति दर्ज करानी है। पेपर के साथ रेफरेंस बुक की भी क्या करनी है, प्राप्ति करनी है, यानी कि आप पेपर ले रहे हैं, पेपर के साथ साथ उससे संबंधित जो पुस्तिकाएं होती हैं, बुक्स होते हैं, पुस्तक होती हैं, पुस्तिकाएं होती हैं, वो सब आपको एक साथ क्या करना है, यहाँ से कलेक्ट करना है। देन उसके बाद दिए गए प्रश्न के अनुसार जो है हम लोग क्या करते हैं, जो रेफरेंस बुक्स हमें मिली हैं उनमें हम लोग उत्तर को खोजेंगे। उत्तर को खोजने के पश्चात उत्तर को हम क्या करेंगे, कॉपी में लिखेंगे, और लिखते समय जो समय निर्धारित किया गया है, हम समय निर्धारित समय का भी जो है विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि अलग से समय नहीं मिलेगा, हमें उतने ही समय में उत्तर को लिखना है, और लास्ट में हम क्या करेंगे, उत्तर पुस्तिका को जमा करवा देंगे। तो ये तो हमारा क्या है, कॉपी पेन वाला है, जो ट्रेडिशनली हम लोग आमतौर पर प्रयोग में लेते हैं। बट फर्क यही होता है कि जो नॉर्मल हम लोग टेस्ट देते हैं उसमें हमें किसी भी तरीके की नकल नहीं करनी होती है, किसी भी तरीके के कंटेंट या रेफरेंसेस जो है वो यूज में नहीं लेने होते हैं, बट यहाँ पे आप रेफरेंसेस का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए दूसरा हम आते हैं, दूसरा हमने कहा लैपटॉप या पीसी के आधार पे। अब इसमें दो पॉइंट हमारे पास आए, लैपटॉप या पीसी के आधार पे जब हम इवेल्युएशन सिस्टम यानी कि मूल्यांकन प्रणाली का अपने आप को हिस्सा बनाते हैं, तो दो तरीके के प्रश्न वहां पे जो है वो रखे जाते हैं। दो तरीके के प्रश्न कौन से हैं, पहला होता है ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। एक प्रश्न होता है जिसके मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जिनमें से हमें किसी एक का चयन करना होता है। जो दूसरा होता है वो होता है रिटन एग्जामिनेशंस के लिए, यानी कि आपको लिखित रूप से आपको प्रश्नों को लिखना होता है। प्रश्नों का स्वरूप दीर्घ उत्तरीय या लघु उत्तरीय रूप में होता है, तो आपको वहां पे लिखना होता है, जबकि बहुविकल्पीय में आपको सिंपली क्या होता है, क्लिक करना होता है। तो हम इन दोनों को अलग अलग देखेंगे। पहला हम आते हैं बहुविकल्पीय में। बहुविकल्पी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा संबंधित पोर्टल है, अर्थात हमारे विद्यालय से संबंधित, हमारे कोर्स से संबंधित, हमारी यूनिवर्सिटी से संबंधित, या हमारे किसी बोर्ड से संबंधित जो भी है, हम उस पोर्टल को क्या करेंगे, सबसे पहले सर्च करेंगे। उसके बाद पोर्टल पर अपना जो विषय है, जिस भी विषय का हमें एग्जाम देना है, हम वो विषय सर्च करेंगे। फिर हम अपने प्रश्न पत्र को खोलेंगे। खोलने के बाद जो प्रश्न पत्र पे निर्देश दिए गए हैं, सबसे पहले हम उनको पढ़ेंगे। प्रश्न पत्र के निर्देशों को हम पढ़ते जाएंगे, पढ़ने के बाद एक एक प्रश्न को हम पढ़ना चालू कर देंगे। एक प्रश्न को हम पढ़ेंगे, उसके बाद उससे संबंधित जो संदर्भिक पुस्तिका में हमारे उत्तर दिया हुआ है, हम उसमें से उसको छांट करके प्रश्न को क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को उत्तर देख देख करके, खोज खोज के, जैसे भी है, एक एक प्रश्न पे हम क्या करेंगे, उसके ऑप्शन पे जो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस दिए हैं उनमें से एक पे क्लिक करेंगे। देन प्रश्न के किसी एक विकल्प पे क्लिक कर लिया हमने, उसके बाद सारे प्रश्न जब हमारे हो जाते हैं तो उसके बाद हम सबमिट बटन एक आता है, निर्धारित समय के अंदर हम क्या करते हैं, उसको सबमिट कर देते हैं। आप ध्यान रखिएगा, समय निर्धारित होता है, आपको देख करके उत्तर खोजना है, देख करके लिखना है, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप जो है लिखते ही रह जाएंगे, नहीं, आपका समय क्या होता है, निर्धारित होता है। अब हम आते हैं जो हमारे निबंधात्मक प्रश्न हैं या रिटन क्वेश्चंस हैं, उनके लिए, लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए। सबसे पहले हम संबंधित पोर्टल को खोलते हैं, उसके बाद पोर्टल पर अपना विषय सर्च करते हैं। विषय सर्च करने के बाद हम अपने प्रश्न पत्र को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद या तो हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं या फिर हम उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। उसके बाद संबंधित जो हमारे प्रश्न हैं, जो पेपर हमने चाहे डाउनलोड किया है चाहे निकाला है, उसके उत्तर को हम संदर्भ में से क्या करेंगे, देखेंगे और लिखना चालू कर गए। लिखे गए जो प्रश्न, जो उत्तर हैं, जिस भी उत्तर को हमने लिखा है, हम उसकी फोटो खींचेंगे
और उसको पुनः हम क्या करेंगे, पोर्टल पर अपलोड कर देंगे। और अपलोड करने के बाद कंफर्मेशन आता है, कंफर्मेशन को हमें ओके करना है। जब तक ओके का नहीं आता है तब तक आपका कंफर्म नहीं हुआ, यानी कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। कंफर्मेशन आ जाता है, आप ओके कर देते हैं, दैट मीन्स सक्सेसफुली वो क्या हो गया, सबमिट हो गया। तो ये आज हमने जो है ये ओपन बुक एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा बहुत जानने का प्रयास किया। अगली कक्षा में ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए कुछ महत्वपूर्ण पहलू बताए गए हैं, उसके कुछ गुण होते हैं, उसके कुछ दोष होते हैं, हम ये जानने का प्रयास करेंगे। तब तक आप इसको देखिए, और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं।